सोलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो दोस्तों, फाइनली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूँ तो जो वीडियो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली जो न्यूज़ निकल करके आती है वो निकल करके आती है रियलमी की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि रियलमी अपनी सी सीरीज का एक नया स्मार्टफोन बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जो कि और भी काफी सारी कंट्रीज में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। और यहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो है Realme C17। दोस्तों, यहां पर मुकुल शर्मा की तरफ से ऐसे कुछ डिटेल्स निकल करके आई हैं, जहां पर इनका कहना है कि जो Realme का C17 स्मार्टफोन है वो या तो नवंबर के लास्ट तक या फिर आपको यहां पर दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये जो Realme का C17 स्मार्टफोन है वो यहां पर इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। और इन्होंने कहा कि अभी तक पूरा प्लान ऐसा ही है और ये जो स्मार्टफोन है जल्दी हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो मे बी यहां पर जो Realme C17 है वो आपको यहां पर नवंबर के लास्ट वीक में देखने के लिए मिल जाए। और दोस्तों, यहां पर ये जो स्मार्टफोन होगा वो आपको 10 से 11,000 रुपए के बीच में इंडिया में यहां पर देखने के लिए मिल सकता है। जैसे ही यहां पर स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी और डिटेल्स आती है आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। बात करता हूं दोस्तों आपसे यहां पर अगली न्यूज के बारे में। दोस्तों, यहां पर जो अगली न्यूज निकल कर आती है वो निकल कर आती है माइक्रोमैक्स की तरफ से। माइक्रोमैक्स अपने कुछ स्मार्टफोन को, इन सीरीज के स्मार्टफोन्स को यहां पर 3 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है इंडिया में। और यहां पर दोस्तों, अभी तक तो 2 स्मार्टफोन ही माइक्रोमैक्स के सर्टिफाई वगैरह हुए थे, लेकिन माइक्रोमैक्स का एक तीसरा स्मार्टफोन भी ऑनलाइन यहां पर सर्टिफाई हो गया है, जिसकी जो बैटरी वगैरह वो यहां पर लिस्ट हो गई है, जिससे ये कंफर्म हो गया कि माइक्रोमैक्स के 3 नए स्मार्टफोन जल्दी यहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और जैसा कि माइक्रोमैक्स ने स्टार्टिंग की है, आपको माइक्रोमैक्स के काफी सारे नए नए स्मार्टफोन यहां पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और दोस्तों, ये 3 नंबर को हमें पता चलेगा कि माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन्स में क्या कुछ हमें फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं और यहां पर इनकी जो प्राइसिंग होती है वो इंडिया में क्या निकल करके आती है। वैसे इस तीसरे स्मार्टफोन के बारे में जैसे कुछ अपडेट निकल करके आएगी, मैं सबसे पहले आपको यहां पर इन्फॉर्म करूंगा। वैसे ये तीसरा स्मार्टफोन भी जल्दी आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, बात करता हूं आपसे यहां पर अगली न्यूज के बारे में। दोस्तों, यहां पर कुछ दिन पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि OnePlus अपने काफी सस्ते स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने जा रहा है। और दोस्तों, यहां पर OnePlus Nord N10 और OnePlus Nord N100, ये जो 2 स्मार्टफोन से वो फाइनली कल यहां पर लॉन्च कर दिए गए हैं ग्लोबली। और दोस्तों, अगर बात करता हूं सबसे पहले OnePlus Nord N10 5G स्मार्टफोन के बारे में, इसके कुछ फीचर्स और प्राइस के बारे में, तो दोस्तों यहां पर ये जो स्मार्टफोन, इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 690 का जो प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर आपको 6GB की रैम दी गई है, उसके साथ इस स्मार्टफोन में आपको 6.49 inches का एक फुल HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। 90Hz की रिफ्रेश रेट दी गई है, 4300mAh की बैटरी दी गई है, 30W का चार्जर यहां पर दिया गया है। उसके साथ यहां पर आपको 64MP का जो कैमरा है वो इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाता है, अलॉन्ग विद 5G। या अगर स्नैपड्रैगन 690 है तो 5G तो होगा ही। और यहां पर अगर बात करता हूं इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, तो इसकी जो प्राइस यहां पर निकल करके आई है वो थोड़ी सी ज्यादा है। इसकी जो प्राइस निकल करके आई है ग्लोबली वो कुछ यहां पर 30,000 रुपए के आसपास में देखने के लिए मिलती है, लेकिन अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा तो इसकी जो प्राइसिंग है वो उतनी नहीं होगी। मे बी ये स्मार्टफोन आपको यहां पर 20,000 की रेंज में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि अगर 30,000 रुपए इसी स्मार्टफोन की प्राइस हो जाएगी तो ऐसे में 30,000 से कम में ही हमें OnePlus Nord जैसे स्मार्टफोन्स वगैरह यहां पर देखने के लिए मिलने लगते हैं। बात करता हूं अगले स्मार्टफोन के बारे में, OnePlus Nord N100 स्मार्टफोन के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन, इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 460 का जो प्रोसेसर वो देखने के लिए मिलता है, 4GB की रैम है, यहां पर आपको 6.52 इंचेस का डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, एक HD+ डिस्प्ले दिया गया है, 5000mAh की बैटरी दी गई है, 18W का चार्जर है, 13MP का आपको यहां पर ट्रिपल रियर कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन की जो प्राइस निकल कर आती है वो निकल कर आती है 15,000 रुपए के आसपास, लेकिन ये स्मार्टफोन कहा जा रहा है कि अगर इंडिया में आता है, मे बी अभी इंडिया की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि इंडिया में स्मार्टफोन लॉन्च होगा या फिर नहीं होगा और कब होगा, लेकिन लीक्स की माने तो कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है अगर इंडिया में आता है तो इसकी जो प्राइस है वो हमें कुछ यहां पर 12,000 से 13,000 रुपए देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखते हैं यहां पर जो स्मार्टफोन है कब तक आता है। जैसे स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी कंफर्मेशन डिटेल वगैरह आएगी इंडिया लॉन्च को लेकर के, आपको सबसे पहले यहां पर इन्फॉर्म कर दूंगा। बात करते हैं दोस्तों यहां पर अगली न्यूज के बारे में। दोस्तों, यहां पर आपको पता है कि Realme Q सीरीज के कुछ स्मार्टफोन कुछ दिन पहले यहां पर चाइना में लॉन्च किए गए हैं, जिनमें आपको यहां पर काफी सस्ते में 5G देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, यहां पर आप लोगों में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि जो Realme की Q सीरीज है वो इंडिया में कब लॉन्च होगी। Realme Q2 सीरीज के जो स्मार्टफोन होंगे 5G स्मार्टफोन सस्ते में जो आपको देखने के लिए मिलते हैं वो यहां पर इंडिया में कब आएंगे। तो ऐसी कुछ यहां पर दोस्तों रिपोर्ट निकल करके आए, ऐसी कुछ लीक्स यहां पर निकल करके आई है कि 2021 के जनवरी मंथ तक ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर इंडिया में Realme की तरफ से लॉन्च हो सकते हैं, जिनमें आपको Dimensity सीरीज के जो 5G प्रोसेसर हैं वो सस्ते में यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और मे बी यहां पर जो Realme Q2 स्मार्टफोन है इसकी जो प्राइस निकल कर आती है चाइना में वो कुछ यहां पर आपको 12,000 से 13,000 रुपए निकल करके आती है। और यहां पर जो स्मार्टफोन है अगर इंडिया में आता है तो इसकी जो प्राइसिंग है वो 15,000 के नीचे हमें यहां पर इंडिया में देखने के लिए मिल सकती है। अब देखते हैं जो स्मार्टफोन है कब तक आता है। जैसे यहां पर इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी और कंफर्मेशन आती है आपको इन्फॉर्म करूंगा।
कि दोस्तों यहाँ पर 2021 के स्टार्टिंग से ही हमें सस्ते में जो काफी सारे 5G स्मार्टफोन्स हैं वो यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों बात करता हूँ आपसे यहाँ पर अगली न्यूज के बारे में। यहाँ पर Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते होंगे जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon 720G का जो प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर इस स्मार्टफोन पे आपको 1000 रुपए का जो प्राइस कट है वो देखने के लिए मिल रहा है Amazon की ग्रेट इंडियन सेल में। और उसके साथ यहाँ पर आपको कार्ड पे भी 10% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है जिससे आप इस स्मार्टफोन को 11699 रुपए की प्राइसिंग पे खरीद पाएंगे। तो अगर आपका जो बजट है वो कुछ 11500 रुपए के आसपास में है तो आप इसे स्मार्टफोन को जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 11500 रुपए में ही इंडिया में और Qualcomm Snapdragon 720G का जो प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो जो स्मार्टफोन है काफी अच्छा है, आपका जो बजट है अगर इतना है तो आप इस स्मार्टफोन को जाकर के ले सकते हैं। वैसे ये एक लिमिटेड टाइम डील है, आने वाले टाइम में ये जो ऑफर्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको लेना है तो जाकर के इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ न्यूज, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि मैंने सोचा जरूर से आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहिए। अब आपका क्या कहना है इन सभी चीजों के बारे में जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा। अब फाइन दोस्तों यही था कुछ वीडियो में, आशा करता हूँ छोटी जानकारी समय आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जो कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।